हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोषी जैन के चैनल पे। आज मैं आपको साउथ इंडियन स्टाइल से उत्तपे की रेसिपी बताऊंगी। जी हाँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब लगता है। फ्रेंड्स, आपने इससे बढ़िया उत्तपा आज तक नहीं खाया होगा। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स भी यूज़ करना है, जो कि बहुत ही हेल्दी है और बच्चे बड़े सभी खुशी से गर्मा गर्म खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यमी लगता है। शुरू करते हैं उत्तपे की रेसिपी। हाँ तो फ्रेंड्स, उत्तपम बनाने के लिए जैसे डोसे का घोल बनाते हैं, सेम टू सेम मैंने वैसा ही घोल बना लिया है। इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पत्ता गोभी क्रश कर लिया है, 2 प्याज कट कर लिए मीडियम साइज़ के, 2 टोमेटो, थोड़ा 1 गाजर ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने क्रश कर लिया है, 1 शिमला मिर्च, लगभग 4-5 हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े हरे मटर, थोड़े चिली फ्लेक्स, और यहाँ मैंने 1 टीस्पून गन पाउडर लिया है, जिससे कि उत्तपम की टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। फ्रेंड्स, हम ऊपर से इतने आइटम डालेंगे तब तक तो हमारा उत्तपम ड्राई हो जाएगा, फिर ये सारी स्टफिंग इसमें चिपकेगी नहीं। इसके लिए सारी चीज़ें हम डोसे के घोल में ऐड कर लेते हैं। पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। जितना ये बढ़िया दिखता है उतना ही खाने में भी टेस्टी बनेगा। यहाँ मैंने लगभग 4-5 हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। थोड़ा ग्रीन मटर, यहाँ मैंने फ्रेश मटर लिए, थोड़ा हरा धनिया, अदरक, यदि आप प्याज अदरक लहसुन नहीं खाते तो स्किप करें, थोड़ा चिली फ्लेक्स स्पाइसी बनाने के लिए, और थोड़ा गन पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है उत्तपे का। इतना कलरफुल दिख रहा है, बहुत हेल्दी भी है। इसमें काफ़ी वेजिटेबल्स मैंने ऐड किए हैं, आप और भी ऐड कर सकते हो अपने पसंद के। यहाँ मैंने डोसे का तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे तवा गर्म हो जाता है, हम इस पर थोड़ा सा पानी की कुछ बूंदें स्प्रेड कर लेंगे। इसे नैपकिन से क्लीन कर लेंगे। अब हम इस पर बैटर डाल लेंगे। और इसे एक साइड में ही गोल घुमाते हुए फैलाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। यहाँ मैंने उत्तपा डाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ी सी सिंगदाने की चटनी ली है मैंने, यह हम स्प्रे कर लेंगे इस पर, जिससे कि इसमें थोड़ा क्रंचीनेस भी आ जाता है और इसकी टेस्ट भी बढ़ जाती है। अब हम इसके साइड से थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। और इसे ऊपर से पूरा ड्राई होने तक के पकने देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे उत्तपा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म।